गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिगंबर जैन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। मैंने आपको ये पंचुएट द फॉलोइंग भेजे हैं। पंचुएट मतलब होता है इनको सेंटेंस को पंचुएट करना है, मतलब आपको इसमें फुल स्टॉप, इसमें जो अल्फ़ाबेट छोटा लिखा हुआ है उसको बड़ा लिखना है, कहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा। मतलब हिंदी में भी जैसे आपको ये इंग्लिश में इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क और हिंदी में इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसमें क्या करते हैं, जब कोई वंडर वाली बात होती है तब ये लगाया जाता है, जब कोई आश्चर्य की बात होती है जैसे ओह दैट इज़ वंडरफुल, ये इसमें एक आश्चर्य दिखाई दे रहा है, ये वंडर वाली बात है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओह के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और यहाँ पर दैट में टी बड़ा आएगा और यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा। यहाँ पर भी आपको ध्यान से ये सेंटेंस बनाने, एग्ज़ाम में इसमें बड़ा सेंटेंस, बड़ा वर्ड नहीं लिखा हुआ आएगा पहला वाला, तो इसको आपको बड़ा करके लिखना होगा और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। जैसे माय सिस्टर इज़ अ डॉक्टर, ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें क्या करना है, एम बड़ा लिखना है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट हमेशा बड़ा आएगा, उसके बाद डॉक्टर के बाद फुल स्टॉप लगाना है, तो इसी की ही मार्किंग है। हुर्रे, यहाँ पर क्या हो रहा है, वंडर वाली बात हो रही है वापस, इंटरजेक्शन कहते हैं इसको। हुर्रे वी कैन वॉन द मैच, अब हुर्रे में क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, फिर उसके बाद भी वॉन द मैच में फुल स्टॉप आ जाएगा। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, ये क्या है, क्वेश्चन है, व्हाट में डब्ल्यू बड़ा उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ताजमहल इज़ वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, अब यहाँ पे ताजमहल में टी बड़ा आएगा उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप आ जाएगा, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, ये प्रॉपर नाउन है इसलिए टी बड़ा आया है। प्लीज़ में पी बड़ा आ जाएगा यहाँ पर, पोस्ट दिस लेटर, ये क्या है, यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस है, ये यहाँ पर क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज़ में पी बड़ा, पोस्ट में भी पी बड़ा आएगा और यहाँ पर भी कोमा लगाएंगे उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर कोमा आएगा। व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, अब ये क्या है, वंडरफुल, वंडर वाली बात है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। दैट दिस इज़ माई ब्रदर्स हैट, यहाँ पर क्या है, अपोस्ट्रॉफी एस लगाना है, दिस में टी बड़ा, यहाँ पर अपोस्ट्रॉफी एस इसलिए लगाना है क्योंकि अपन इसको पंचुएट कर रहे हैं, काके की में इसका यूज़ किया जाता है अपोस्ट्रॉफी एस का, यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगाना है। शी बॉट एन एप्पल एंड ऑरेंज एंड अ पेयर, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे, जैसे एंड के पहले वाले वर्ड पे कोमा नहीं लगाया जाता है, शी एस एस एच ई शी में एस बड़ा लिखेंगे, एन एप्पल के बाद कोमा लगाएंगे, फिर एन ऑरेंज के बाद एंड लिखते हैं इसलिए कोमा नहीं लगाते हैं, अब पियर के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे। जैसे हिंदी में और से पहले जो भी वर्ड होता है उसमें कोमा नहीं लगाया जाता है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, पंचुएशन करना आनी चाहिए इसमें। आपको मैं नेगेटिव सेंटेंस भी सिखा देती हूँ, मैंने आपको ये नेगेटिव सेंटेंस का भी भेजा है लेकिन किसी को समझ में नहीं आया। यहाँ पर क्या करना है, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, अब यहाँ पर नॉट लगा के लिखना है, नेगेटिव में चेंज करना मतलब नॉट लगा के लिखना, सब्जेक्ट तो ही है, इज़ हेल्पिंग वर्ब है, नॉट आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, जस्ट बाद नॉट आता है। मोहन कैन गो आउट, मोहन कैन नॉट गो आउट, दे आर प्लेइंग, दे आर नॉट प्लेइंग, राम इज़ वेरी ऑनेस्ट, राम इज़ नॉट ऑनेस्ट, शी डज़ ऑल वर्क्स ऑन टाइम, अब यहाँ पे डज नॉट डू ऑल वर्क ऑन टाइम आ जाएगा, ये वहाँ पर चेंज होगा, डू भी आएगा यहाँ पर, डज नॉट डू ऑल वर्क्स ऑन टाइम, ठीक है, शी डज़ ऑल वर्क्स ऑन टाइम, शी डज़ नॉट डू ऑल वर्क्स ऑन टाइम, ओके, थैंक यू।